हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वापस चिल्ड्री स्टूडियोज पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एक्चुअली अप्रैल का जो हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ आधे ही हो पाया था, तो वो उसका पार्ट वन हो जाएगा और ये रहेगा उसका पार्ट नंबर टू। कुछ नेट की कनेक्टिविटी आप समझ ही सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही हैं। तो फिलहाल हम लोग इस वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल के करंट अफेयर का सेकेंड वाला पार्ट। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अन अकेडमी पे जो फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है ये 15 तारीख से शुरू हो रहा है। आप में से जितने भी ऐसे हैं जो जीएस प्रिपेयर करना चाहते हो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे फिर वो रेलवे से लेकर स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम के लिए आप जीएस के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसका ये नाम आपको नजर आ रहा है। क्या करना है, अन अकेडमी पे जाना है, एसएससी के ग्रुप में जाके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो जिसमें जीएस तो मिलेगी लेकिन साथ में आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश भी फ्री में मिलने वाली है। चलो सवालों का सिलसिला यहाँ से करते हैं शुरू, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट एक बार से देख लेना और ये रहेगा इसका सेकेंड पार्ट। देखिए अप्रैल में अगला जो सवाल यहाँ से बनता है वो क्या है, सवाल में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि फोर्ब्स की जो अभी हाल ही में लिस्ट जारी करी गई थी उसमें इंडिया की तरफ से टॉप बिलियनियर कौन रहे हैं। आंसर विल बी मुकेश अंबानी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाए आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो, अगर पूछा जाता है फोर्ब्स की मैगजीन में नंबर वन पे कौन से रहे हैं तो आंसर विल बी जेफ बेजोस, आपको पता ही है, मतलब कॉमन वाला हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क कोविड-19 फंड जो है इसके अंदर $3 मिलियन का जो अमाउंट है वो कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया। आंसर यहाँ से बनेगा पाकिस्तान। देखो इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है अप्रैल का है, तो हम लोगों ने हर एक पॉइंट को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपका रिविजन है। तो जल्दी जल्दी से देखते जाओ, इसको रिवाइज करते जाओ और हाँ सेशन को शेयर जरूर कर देना। अगला सवाल देखो, कौन सी इंडियन विमेन क्रिकेटर हैं जिनको अभी हाल ही में पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट इंग्लिश प्लेयर आपको बताना है जिनको 2005 के बाद पहले ऐसे इंग्लिश प्लेयर बने हैं जिनको 2020 में अभी विजडन लीडिंग मेल का खिताब दिया गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे बेन स्टोक्स, इनकी किताब भी है जिसका नाम है ऑन फायर और ये कौन सी कंट्री की तरफ से, ऑब्वियसली बात है इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे कंट्री का नाम बताना है, सबसे पहली ऐसी अरब कंट्री का नाम बताना है जहाँ पर कैनबिस, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मरीजुआना, जो एक तरीके का आप कह सकते हो कि वो होता है ना भांग जिसे हम लोग कहते हैं, उसको अभी पूरी तरीके से लीगलाइज कर दिया। आंसर बनेगा यहाँ पे लेबनन और इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बेरूत रहेगी इसकी कैपिटल। देखो अफगानिस्तान हुआ, लेबनन हुआ या फिर मोरक्को, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विद्याधन 2.0 ये कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया या फिर किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ऑब्वियसली बात है विद्या की बात हो रही है तो यहाँ पे विद्या मतलब पढ़ाई की बात हो रही है, HRD मिनिस्ट्री होगा, तो इसको कौन लॉन्च करेगा, रमेश पोखरियाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी, सिंपल है, उत्तराखंड हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। श्रीपद नायक जी इनके पास अगर देखा जाए तो कौन सा मंत्रालय है, आयुष मिनिस्ट्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी, नॉर्थ गोवा रहेगी। अगला देखो यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय आपको मिलेगा एंड इम्पॉर्टेंट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट पे आ जाओ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अभी हाल ही में इस खिताब से सम्मानित किया गया, इनमें से कौन से प्लेयर को IPL के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले या फिर हम ये कह सकते हैं सबसे अच्छी तरीके से कैप्टनसी करने वाले कौन होंगे, तो ऑब्वियसली बात है मिस्टर कूल के अलावा और कौन हो सकता है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नाबार्ड, सिडबी और NHB आपको बताना है कि अभी हाल ही में इसको रीफाइनेंस करने के लिए सरकार के द्वारा कितना पैसा दिया गया है। आंसर यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपीज का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है, 18 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, पेरिस के अंदर लोकेटेड है, इसकी जो 44th वाली मीटिंग होनी थी वो चाइना के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जितने भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अभी कोविड-19 के टाइम पे काम कर रहे हैं उनको क्या बोला गया, अगर सपोज करो कि काम करते टाइम उन लोगों को कोरोना हो जाता है तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और ये कंपनसेशन कितने का है, 10 लाख का है। जब कोविड-19 हो ही जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो कंपनसेशन का करेंगे क्या। वेल जोक्स अपार्ट, अगले सवाल पे चलते हैं, कौन सा ऐसा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पर अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया, एक्सेस कोरोना ऐप। अब ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया, इससे क्या होगा आपको पता ही है कि जो हॉटस्पॉट वाले एरियाज हैं वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे डोर टू डोर जो डिलीवरी करी जाती है न्यूज़पेपर की और मैगजीन की उसको प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंसर महाराष्ट्र। यह सेशन को शेयर जरूर करते जाना, जरूरी होता है, शेयर करना तो बनता ही बनता है।
अगला, मैटरहॉर्न माउंटेन ये कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर है और एल्प्स माउंटेन का ये हिस्सा है। इसके ऊपर इंडिया का जो फ्लैग है उसको दर्शाया गया था और ये फोटोग्राफिक माउंटेन है, इसलिए काफी बार ये चर्चा में आ जाता है। नेक्स्ट पे आइए, आपको बताना है कि एफडीआई जो आता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर आता है, ये दो रूट से आता है, एक होता है बॉम्बे रूट, एक होता है दिल्ली रूट। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये बता दो कि अभी भारत सरकार के द्वारा इसके लिए जो नॉर्म है वो चेंज किए गए। अब जो नॉर्म्स चेंज किए गए हैं उसमें क्या बोला गया है कि अब अगर इनमें से किसी भी कंट्री से जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अगर कोई भी एफडीआई आएगा तो वो सरकार से पूछने के बाद ही आएगा। तो ये लॉ किसके लिए कर दिया गया है? हर एक कंट्री के लिए जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर होता है। नेक्स्ट पे आइए, इसमें बताना है आपको कौन सा ऐसा ऐप है जो अभी हाल ही में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंदर क्या होगा, जितनी भी फसलें हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और इसका आंसर क्या बनेगा, किसान रथ या फिर किसान रेल। आंसर करके जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बता रही, हटो, मैं नहीं बता रही इसका आंसर। चलो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से क्या आंसर होगा, चलो बता ही देते हैं, किसान रथ विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो लॉकडाउन 2.0 हुआ, इसमें आपने देखा कि अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, है ना। आपको ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कौन मिनिस्ट्री करेगी, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है और मिनिस्ट्री किसकी है? तो हर्षवर्धन जी के पास ये मंत्रालय है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये रहेगी आपकी चांदनी चौक, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला आपको भारत का राज्य बताना है जहां पे रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत करी गई है, आंसर विल बी राजस्थान। और अगर पूल टेस्टिंग पूछी जाएगी तो इसके लिए आंसर क्या बन जाएगा, यूपी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया क्योंकि COVID-19 के बीच में यहाँ पर इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए गए थे, कौन बने? मून जी बने हैं। अब आपको बताना है कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल देखो, ब्लू वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की एक वेराइटी है ब्लू वेराइटी, अभी एक्सपोर्ट नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि COVID-19 की समस्या चल रही है। तो सवाल में पूछ रहे हैं आपसे कि इसको कहाँ पर देखा जाता है या फिर इसकी जो खेती वगैरह होती है ना वो कहाँ पर होती है, तो कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर ही होती है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कौन सा ऐसा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर अभी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत करी गई है रिमोट एरियाज के अंदर, आंसर विल बी लद्दाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अश्काय चिन नाम की जो जगह है ना, जो पूरा ग्लेशियर वाला एरिया आपको मिलता है, इसको चाइना के मैप में अभी हाल ही में WHO के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, चाइना के द्वारा कहाँ पे, WHO के अंदर इसको दिखाया गया। अगला सवाल देखो, ऑड और इवन स्कीम अब हाल ही में कौन से जगह पर शुरू होने वाली है? तो वैसे तो ये आपको नई दिल्ली में मिलती है ना, बट ये कहाँ पर, केरला के अंदर। देखो यार, अगर वीडियो में ना आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा, बट सर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर डिस्टर्बेंस होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि यार कई बार हो जाता है घर से क्लासेस होती हैं तो कभी कुकर की सीटी मिलेगी, कभी आपको फ्लाइट जाते हुए मिलेगी, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करना ताकि आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि कोरोना चल रहा है यार, क्लासेस ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो आप क्या कर सकते हो यार, वो आप इग्नोर मार सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर मार सकते हो, इतना काम तो कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुकर की सीटी हो या कुछ भी हो, उसको प्लीज आपको क्या बंद करना है, इग्नोर मारना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, जरा बात करते हैं उसके बारे में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर अभी हाल ही में जियो टैगिंग कम्युनिटी किचन की शुरू करी गई है, आंसर क्या बनेगा, इट विल बी यूपी। यूपी के अंदर इस चीज को किया गया। मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसकी भी शुरुआत कहाँ पे करी गई, वो भी यूपी के अंदर ही करी गई है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सिविल सर्विसेज डे कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ये तो सवाल नहीं होगा, आपको पता है कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से दिन पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सिविल सर्विसेज डे ऑन 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ शंघाई बेस्ड NDB, अब ये जो बैंक है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अभी इसकी जो बैठक हुई थी इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। तो भैया देखो, बैंकिंग की बात हो रही है तो फाइनेंस सेक्टर की बात होगी, तो ऑब्वियस ही बात है आंसर क्या बनेगा, निर्मला सीतारमन जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, NDB का हेडक्वार्टर अगर पूछ लें तो कहाँ होगा, देखो यहाँ पे NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई के अंदर, इंपॉर्टेंट बनता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टॉम एंड जेरी के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, सवाल में पूछा जा रहा है कि डायरेक्टर का नाम क्या है, तो जेनी डिच हो जाएगा इनका नाम, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। अगला सवाल देखो, या देखो पूरा अप्रैल है, ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स बता रही, भाई रिविजन है ना, तो रिविजन को रिविजन की तरीके से करते। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स अभी एक इंडेक्स आया है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया 142 रैंक पे नजर आ रही है, और नंबर वन पे कौन सी कंट्री है, दिस इज नॉर्वे, नंबर वन पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्या है, चीफ जस्टिस का नाम बताना है बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए, किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो दीपांकर दत्ता जी को अपॉइंट किया गया है, और लास्ट में देखो यहाँ लिखा ना मोहम्मद रफीक, इनको अपॉइंट किया गया है फॉर ओरिसा के लिए, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। अगला सवाल, अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये तो बहुत ही बेसिक वाला है, कब होगा ये, 22nd of April को सेलिब्रेट होता है। अप्रैल के जितने भी डे हैं मैंने पूरी लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक बार चेक करना है PDFs के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है कि योद्धा कल्याण योजना जो है आंगनवाड़ी के लिए अभी हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा शुरू करी गई है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, MP के अंदर इसको शुरू किया गया है, और दीनदयाल नाम की एक कमेटी भी फॉर्म करी गई है, जिसका काम ये होगा कि जितनी भी स्कीम लॉन्च करी जा रही है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अगर कोई भी हेल्थ वर्कर है जो काम कर रहा है, और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई भी क्राइम करते हो, या अगर कोई भी वॉयलेंस करते हो, कोई भी रॉयट क्रिएट करते हो, तो उस टाइम पर आपको जेल भी हो सकती है, अब कितने साल की, 7 साल की, जरा ध्यान रखना, और इस पर फाइन भी लग सकता है, मतलब लाखों का फाइन भी लग सकता है, तो ऐसी गलती मत करना, जो आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ ऐसा करना गलत होता है ना। अगला सवाल, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर शुरू किया गया है, तो मॉनसून के टाइम पे वाटर कंजर्वेशन के लिए गुजरात के अंदर अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इंडिया का ग्रीन जोन गोवा के बाद कौन सा स्टेट बना है, तो मणिपुर बना है, मणिपुर के बाद कौन सा स्टेट बना है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। अगले सवाल पे चलो, ऑयल प्राइसेस देखो यहाँ पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो ऑयल प्राइसेस है वो इतने 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 गिरते चले जा रहे हैं कि जीरो पे आ गया, अब तो ये बोला जा रहा है आओ भैया फ्री में यहाँ से ले जाओ आके ऑयल, ऐसी हालत हो गई है, तो ये कहाँ पे हो गया, तो ऐसा US के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियो क्वीन अभी हाल ही में इनको CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन से बैंक के लिए, तो HSBC बैंक के लिए अपॉइंटमेंट इनका किया गया। अगला क्वेश्चन, ई संजीवनी OPD कौन से स्टेट के अंदर शुरू किया गया, ये एक तरीके से मोबाइल फॉर्म में काम करेगा, मोबाइल मतलब फोन के फॉर्म में नहीं, मोबाइल इन द सेंस एक जगह से दूसरी जगह पे भी, जैसे सर्विसेज होती है ना बस सर्विसेज, इस तरीके से भी हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया, उत्तराखंड के अंदर भी लॉन्च हुआ, MP में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, तो ये क्या है, ई संजीवनी है, मतलब ये आपका डिजिटल मोड में काम करेगा, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला सवाल, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अभी हाल ही में एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया, तो PV सिंधु जी को ये अपॉइंटमेंट मिला है, ऑब्वियसली बात है एम्बेसडर्स वगैरह एग्जाम में आते हैं तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की जो अभी सबमिट हुई थी ना, सऊदी अरेबिया ने जिसको हेड किया था, वहां पे गेस्ट के रूप में कौन सी कंट्री रही, तो स्पेन वहां पे एज अ गेस्ट आपको देखने को मिली। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, देखो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रिलायंस जियो है उसके जो स्टेक्स हैं 9.99% अभी हाल ही में किसके द्वारा खरीदे गए हैं, तो आंसर बनेगा यहाँ पे फेसबुक के द्वारा इसको खरीदा गया है। अगला सवाल, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई जो हैं इनके कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर बनाया गया है, अब ये सेंटर कौन से स्टेट में बनाया गया, आंसर तमिलनाडु के अंदर। टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको बटरफ्लाई एज अ स्टेट बटरफ्लाई मिलेगी, कमेंट सेक्शन में जरा मुझे उन 5 राज्यों के नाम मेंशन करके बताना, तमिलनाडु तो है, इसके अलावा 5 के नाम बताने हैं आपको। अगला सवाल, $1.39 बिलियन इमरजेंसी जो लोन दिया जा रहा है IMF के द्वारा, ये लोन इनमें से कौन सी कंट्री को दिया गया है, मैं आपको ये बता दूं कि वो जो कंट्री है वो ग्रे लिस्ट के अंदर आती है, और आंसर बनेगा यहाँ पे पाकिस्तान को ये लोन दिया जा रहा है, ऑल्दो जो ग्रे लिस्ट के अंदर आते हैं FATF लिस्ट के अंदर उनको बड़ी मुश्किल से लोन मिलता है, लेकिन हाँ जान है तो जहान है ना, तो बस वही वाली बात है। अगला सवाल, WWF इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो यहाँ पे विश्वनाथन आनंद जी की, कौन से खेल से जुड़े, चेस से, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सबसे पहली बार जो अवार्ड मिला था इनको ही सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरे को ही बताना है, मैं नहीं बता रही, या देखो थोड़ा सा यहाँ पे इजी कर देते हैं, ये आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मीराबाई चानू और जेरेमी ये दोनों लोग का जो नाम है वो भी हाल ही में न्यूज में चल रहा था, आपको बताना है यहाँ पर
कि ये दोनों ही नाम जो हैं वो कौन से खेल के साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्पोर्ट्स का नाम बताना है। तो स्पोर्ट्स का नाम क्या हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खोंगजोम डे मनाया जाता है 23 अप्रैल को। एक युद्ध हुआ था एंग्लोस के अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था। सवाल में पूछा जा रहा है कि डे इनमें से कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। देखो आसाम में नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, बचे दो ऑप्शन। आंसर बनेगा यहाँ पे मणिपुर के अंदर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। चाइना ने अभी अपना हाल ही में फर्स्ट जो मार्स मिशन लॉन्च करने की बात बोली है उसका नाम क्या दिया गया, तियांगवेन इसका नाम रखा गया। तो नाम इंपॉर्टेंट है, जितने भी आ रहे हैं नाम सारे के सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर चाहे कोई भी मिसाइल हो जैसे कि आपका, या सैटेलाइट हो, सैटेलाइट के पार्ट पे जैसे कि नूर है, ईरान ने अभी लॉन्च करने की बात बोली है कि हाँ हमने उसको लॉन्च किया एंड ऑल, तो ये सब नाम याद रखना। अगला सवाल, यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में एक स्कीम शुरू करी गई है पंचायत डे के दिन, यानी कि 24 अप्रैल को, तो उसका नाम क्या है। यहाँ पे नाम आप लोग बताओगे या हम बताएंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, तुम्हें लोग बता दो यहाँ पे। तो वो डे कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है 24th है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा स्वामित्र स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्या हुआ है, एक नए स्नेक की वैरायटी मिली है, मतलब स्पीशी मिली है, जिसका नाम सालाजार के नाम पे रखा गया है। कौन से स्टेट में मिली है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मिली है, पक्के टाइगर रिजर्व है ना, वहीं पर ये मिली है स्पीशी, तो नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे टाइम्स हायर एजुकेशन का सेकेंड एडिशन जो है अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा IIT है जिसको नंबर 1 पे रखा गया है। ये SDG इंडेक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। आंसर बनेगा IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट यूनिवर्सिटी आपको बतानी है जहां पर अभी हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करी गई है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे यूपी। यूपी के अंदर जो KGMU है ना, ये मेडिकल कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है, वहां पे सबसे पहले इसकी शुरुआत करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इंडिया ने अभी हाल ही में बोला है कि 50,000 जो ग्लव्स वगैरह हैं और 1,00,000 तक की जो दवाइयां हैं, कौन सी, हाइड्रोक्यूनिन, इनको भेजा जाएगा इंडिया के द्वारा कौन सी कंट्री में, तो आंसर बनेगा बांग्लादेश के अंदर, ये सपोर्ट इंडिया प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है ये पूरे एक हफ्ते के लिए मनाया जाता है। कब से शुरुआत होती है, 24th अप्रैल से। इसकी थीम क्या है, वैक्सीन वर्क, देखो वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मलेरिया डे 25 तारीख को मनाया जाता है, थीम क्या है, एंड मलेरिया फॉर गुड। सिंपल है, सीधे शब्दों में सवाल पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, यही होता है रिविजन का पूरा एक अच्छा सा मेथड। यहाँ पे पूरी रामायण पढ़ के या सारे नोट्स को लेके बैठ के फिर उसे नोट डाउन कर रहे हो, नहीं, नोट डाउन करने का टाइम मैंने आप लोगों को अप्रैल में दिया था, अभी क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना, सेशन को शेयर जरूर कर देना। अगला, ग्रैमी वॉटसन, अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे और ये क्रिकेट प्लेयर थे। पिच ब्लैक, ये एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑर्गेनाइज करी जाती है, जरा मुझे ये बता देना, बाकी ये जो चार हैं इनके बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अच्छा, इसका जो ना फर्स्ट वाला पार्ट भी देख लेना, अप्रैल का करंट अफेयर्स का, ये दो पार्ट्स में आपको मिलेगा। अगला सवाल क्या है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में माइनर्स के लिए जो डेथ पेनल्टी होती थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। कंट्री का नाम क्या हो जाएगा, सऊदी अरेबिया के द्वारा ये काम किया गया। अगले सवाल पे आ जाओ, कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने बोला है कि इस टाइम पे जितने भी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उनको 50,00,000 रुपीज तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ये बोला गया है सोनवाल जी के द्वारा, जो कि CM है कहाँ के, आसाम के। अगला सवाल, टर्टल की एक नई स्पीशी पाई गई है कहाँ पे, साउथ अमेरिका के अंदर, कौन सी नदी के पास में, ओरिनोको नाम की नदी के पास में, ये रिवर कहाँ है, वेनेजुएला के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल, उमर अकबर, इनके ऊपर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है 3 साल का PCB के द्वारा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाहौर के अंदर है। अब ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली बात है लाहौर के द्वारा लगाया गया तो पाकिस्तान से ही बिलोंग करेंगे। US की एनवॉय जिनको अभी OECD के लिए अपॉइंट किया गया है, आंसर विल बी मनीषा सिंह को अपॉइंटमेंट किया गया है इनका, और संजय कोठारी जी को अपॉइंट किया गया एज अ CVC, किस रूप में, CVC के रूप में इंडिया में अपॉइंट किया गया। ठीक है, अगला, मैसेंजर रूम, ये किसके द्वारा लॉन्च किया, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जूम कॉल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे मैसेंजर रूम को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, यहाँ पर फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देखो, सिप्री इंडेक्स किसके लिए होता है, कि जो आम यहाँ पे यूज किए जाते हैं, यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, तो ये मैं नहीं बता रही, आप ही लोग बताओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वैसे इंडिया की रैंकिंग नंबर 3 है, नंबर 1, नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है USA एंड चाइना रहेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो थी वो था अप्रैल का पूरा करंट अफेयर्स, इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना और ये है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा नेट की वजह से वो दिक्कत हो गई थी, वरना वो उसी दिन उसी टाइम पे हम कंप्लीट कर देते। फिलहाल ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है जीएस का 15 तारीख से, तो इस बैच को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। और आज ही आपको एक स्पेशल क्लास भी मिल रहा है, कितने बजे, रात में 9 बजे आज।